हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू आर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्यों आई एम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड इन टुडेस वीडियो हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल कॉलेज के रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन को यू नो नोट डाउन की हूँ एंड उसमें से मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं डीवाई पाटिल कॉलेज का टूर डाली थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखना, उसमें मैं पूरे कैंपस को दिखाई हूँ। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस बंदे ने मेरे से पूछा है कि हेलो दीदी, आई एम फ्रॉम कर्नाटका एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ENTC फ्रॉम दिस कॉलेज एज यू हैव डन ENTC फ्रॉम हेयर, सो कैन यू टेल मी व्हाट्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन ऑल। सो ओवरऑल इस बंदे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक इस क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर छुपे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी स्टेट के रहो, डजेंट मैटर, इट्स नॉट कि आप आउटसाइडर हो तो आपको कुछ वैसा ट्रीट किया जाएगा कि यू नो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कॉलेज का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना, लाइक मेरे साथ तो बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट थे वहाँ पे एंड हम सब ने बहुत मस्ती किया। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, तो इट्स नॉट कि लाइक आउटसाइडर्स के साथ बहुत ही गंदा सा बिहेव किया जाता है। स्पेशली यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कभी फील भी नहीं होगा कि आप आउटसाइडर्स हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, पुणे के लोग इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं ना, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि लाइक बहुत अच्छे होते हैं। आपको एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि आप किसी और स्टेट में आके रह रहे हो, वहाँ के पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रोफेसर्स के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सारे ही बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो माइंड में लाना ही नहीं है कि अगर आप आउटसाइडर्स हो तो आपके साथ यू नो कुछ अलग सा बिहेव करेंगे एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं। कहीं से भी रहो, अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है एंड अगर आपको ये कॉलेज पसंद है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कॉलेज में। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कॉलेज में बहुत अच्छा रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ के प्रोफेसर इतने अच्छे थे, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो भी बने थे बहुत अच्छे थे, तो मेरा तो 4 साल यहाँ पे बहुत अच्छा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, डीवाई पाटिल कॉलेज के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। मैं 2017 पास आउट हूँ एंड अभी कुछ टाइम पहले ही मैं डीवाई पाटिल कॉलेज में गई थी एंड मैं अपने सारे प्रोफेसर से मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइक यहाँ के प्रोफेसर इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो वो मिलके लाइक अच्छे से सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट कि लेक्चर ख़त्म हो गया तो उनका ड्यूटी ख़त्म हो गया एंड वो अभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इवन इन लेक्चर या फिर लेक्चर के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कॉलेज टाइम के बाद भी वो आपको टाइम देते हैं एंड आपका जब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो तब तक आपको टाइम देंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप जितना ज़्यादा उनके क्वेश्चन पूछोगे वो उतना ज़्यादा आपको यू नो आंसर करेंगे, आपको दे विल मेक श्योर कि आपको आपका कोई भी डाउट ऐसे रह न जाए, वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे बिल्कुल भी वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट्स का कि आए और गए, बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाला बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के प्रोफेसर बिल्कुल ही स्टूडेंट्स को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं एंड आप जितना ज़्यादा यू नो क्वेश्चन पूछोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो आपका उतना ज़्यादा हेल्प करेंगे। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, यू प्लीज टेल मी अबाउट प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज एज आई एम प्लानिंग टू टेक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इन दिस कॉलेज। ओके, तो प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ के जो TPO सर हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो बहुत सारी कंपनी आती है कॉलेज में, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हो। इनफैक्ट इंटरव्यू से भी पहले यू नो जब आप 3rd ईयर और फाइनल ईयर में होते हो तो इस कॉलेज में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यू होता है,
तो यहाँ पे प्लेसमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप कितने हार्ड वर्किंग हो. सर का काम है कंपनी चलाना एंड आपका काम है प्लेसमेंट लेना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे इस बंदे ने पूछा है कॉलेज एटमोसफियर स्पेशली ऑन लर्निंग. इज दिस कॉलेज टू स्ट्रिक्ट इन असाइनमेंट अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन. तो मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के मामले में, तो बहुत ज़्यादा. मेरे टाइम में तो आई थिंक 75% कंपलसरी था एंड हर मंथ में डिफॉल्टर लिस्ट निकलता था. एंड अगर आप डिफॉल्टर में आते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम्स में बैठने दिया जाएगा. तो एंड अभी बात करें डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, तो रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप टाइम से कॉलेज जा रहे हो, अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं. बात करें डिसिप्लिन की, तो हाँ, डिसिप्लिन के मामले में ये कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है एंड आई थिंक ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद आप किसी कंपनी में जाते हो एंड हर कंपनी में यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन. तो इसलिए स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में रहना इज गुड फॉर यू, सो दैट अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको जाकर ये नहीं लगेगा कि यार पता नहीं कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, यहाँ पे इतना सारा डिसिप्लिन है एंड मेरी तो ऐसी आदत नहीं है. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए. एंड कमिंग टू असाइनमेंट्स, तो हाँ, असाइनमेंट्स एंड ऑल ये सारा चीज़ आपको टाइम पे करके देना होगा, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों में ये कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, जो कि आई थिंक अच्छा है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट हाउ स्ट्रिक्ट दिस कॉलेज इज ऑन अटेंडेंस. तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, तो अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है आपको. इनफैक्ट पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में ही ये है कि आपको 75% तभी का तो इतना था, अभी का आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इतना ही होगा, तो कॉलेज अटेंड करना ही करना है आपको. एंड विच इज एक्चुअली गुड, बिकॉज अब हॉस्टल में रह के क्या ही करोगे, बोर हो जाओगे. तो इससे अच्छा है कि कॉलेज में एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे लर्निंग भी हो जाती है, थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाती है. तो चले जाओ यार कॉलेज, कॉलेज जाओगे तो कुछ सीखोगे ही. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक बंदे ने पूछा है कि हाय दीदी, दिस ईयर आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच इन दिस कॉलेज, इज इट गुड, हाउ आर द प्लेसमेंट ऑफ मैकेनिकल हेयर, प्लीज रिप्लाई मी. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते हो फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सारे ही स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, चाहे आप मैकेनिकल के हो या फिर आप सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो. तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आईटी कंपनीज में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा. तो यहाँ पे द डोर इज ओपन फॉर यू एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो या नहीं. आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, तो इट्स नॉट कि अगर आप मैकेनिकल के हो एंड अगर आप आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट हो भी जाए तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं. मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के हैं, जो मैकेनिकल के हैं एंड दे आर वर्किंग इन आईटी कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो यार इंजीनियरिंग ऐसी ही है, आप कोई भी स्ट्रीम के रहो, एट द एंड हम इंजीनियर अपना जुगाड़ ढूंढी लेते हैं एंड आप कहीं पे भी चले जाओ तो कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे. सो या इट्स नॉट कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप कोडिंग नहीं कर सकते एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं. एंड अपॉर्चुनिटी सारे के लिए इक्वल ही है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू नो अबाउट MCA इन दिस कॉलेज. तो MCA का भी सेम ही कैंपस था एंड बहुत सारे सीनियर्स को मैं जानती हूँ जो MCA वाले थे, तो उनके थ्रू मुझे जहाँ तक पता है कि उनका भी एक्सपीरियंस इस कॉलेज से काफ़ी अच्छा रहा है, उनकी भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हुई है. तो अगर आप MCA में एडमिशन लेना चाहते हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप आराम से ले सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक बंदे ने पूछा है, हाय मायरा दी, क्या आप DY पाटिल फार्मेसी पिंपरी हॉस्टल के बारे में कुछ बता सकती हो, मीन्स कैंपस में है या कैंपस में हॉस्टल है या नहीं. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कैंपस के ठीक बाहर ही हॉस्टल है, जस्ट रोड को क्रॉस करना है एंड सामने ही हॉस्टल है. ऑल्सो मेरे टाइम में मेरी जो रूममेट्स थी वो फार्मेसी की ही थी,
इंजीनियरिंग वालों का, फार्मेसी वालों का, सारे का हॉस्टल एक ही था। इनफैक्ट आई थिंक अभी भी एक ही है। तो हॉस्टल का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। एंड अगर आप फार्मेसी से भी हो तो आपको इजीली हॉस्टल मिल जाएगा, नथिंग टू वरी। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं रिगार्डिंग हॉस्टल, पीजी एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि ये डीवाई पाटिल पिंपरी का जो लोकेशन है ना, वो इतना अच्छा है। विद इन 500 मीटर के रेडियस में आपको इतना सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, पीजी का, फ्लैट्स का, हॉस्टल तो है ही। हॉस्टल थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंसिव लगा। एंड अगर आप थोड़ा सा चीपर साइड में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में फ्लैट्स ले सकती हो, पीजी ले सकती हो। तो यहाँ पे रहने का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब बात करें खाने का, तो खाने का भी यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एरिया में इतना सारा रेस्टोरेंट है। अगर आप नॉर्थ के हो तो नॉर्थ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, या किसी भी स्टेट के हो तो आपको इजीली यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी इज कैंटीन अवेलेबल इन कॉलेज? तो मेरे टाइम में तो कॉलेज में कैंटीन था। अभी इस वीडियो में मैं कैंटीन नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सो डोंट वरी अबाउट कैंटीन, कैंटीन तो कॉलेज में रहता ही है। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो ये कॉलेज इतने अच्छे लोकेशन पे है ना, बाहर में आपको बहुत सारे कैफे, रेस्टोरेंट ठीक कॉलेज के निकलते ही मिल जाएगा। तो खाने पीने का तो बिल्कुल भी यहाँ टेंशन नहीं लेना है। ओके, अभी बात करें इसका फी स्ट्रक्चर का, तो मेरे टाइम में अराउंड 85 to 90K के बीच में था, दो सेमेस्टर का। एंड अभी भी आई थिंक इतना ही होगा, आई एम नॉट श्योर। आप चाहो तो डीवाई पाटिल के साइट पे चेक कर लेना, वहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का ये सारा क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट मेरा भी था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रही थी, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। एंड आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर्स दी हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई और डाउट है या फिर आप मेरे से कुछ और भी पूछना चाहते हो तो फील फ्री यार, आप कहीं पे भी मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल।